आपका हमारे चैनल पर स्वागत है और हम आपको बताएंगे कि तुला राशि और वृश्चिक राशि इन दो राशि के जातकों को किस उम्र के पड़ाव पर शादी कर लेनी चाहिए, जो उनके लिए बेस्ट होता है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए, ज्योतिष के मुताबिक हमारी राशि हमारे जीवन, हमारे व्यक्तित्व और हमारे भविष्य के बारे में बताती है। लोग राशि के आधार पर अपना कैरियर चुनते हैं, अपने जीवन शैली को ढाल लेते हैं, राशि के हिसाब से कपड़ों का रंग चुनते हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि राशि न केवल आपके जीवन और व्यक्तित्व के बारे में बताती है, बल्कि आपकी शादी के बारे में भी बताती है। आपकी राशि आपकी शादी के शुभ और सही समय भी बताती है। इस वीडियो में हम आपको तुला राशि और वृश्चिक राशि की शादी की सही उम्र बताने जा रहे हैं। तुला राशि वाले लोगों को किसी भी काम में जल्दी होती है, जल्दबाजी में ये सही और गलत का फैसला भी सही ढंग से नहीं कर पाते हैं। इस राशि वाले लोगों को शादी की भी जल्दी मची होती है। इस राशि के लोगों के लिए 20 साल के बाद कभी भी शादी का सही समय है। उसके बाद है वृश्चिक राशि। इस राशि वाले लोग काफी लविंग और केयरिंग होते हैं, वो अपने पार्टनर से बेहद प्यार करते हैं। ऐसे में ज्योतिष के मुताबिक इस राशि वाले लोगों को जब भी लगे कि उन्हें सच्चा प्यार मिलने वाला कोई मिल गया है या सच्चा प्यार करने वाला कोई मिल गया है, तो वो तभी शादी कर सकते हैं, वही उम्र उनके लिए सही उम्र होगा। तो धन्यवाद, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें, अपने कमेंट दीजिए और यदि आपको हमारे वीडियोज़ अच्छे लगे तो हम चाहेंगे कि आप शेयर कर दीजिए और शेयर करने से पहले लाइक करना मत भूलिए। धन्यवाद।